Audio Jungle. एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड इनटू साइड। तो हमें क्या काम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का बनाना है प्रोग्राम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर नाम का एक फंक्शन हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें इनपुट के रूप में साइड करना पड़ता है, या आपका रिटर्न करेगा वैल्यू साइड इनटू साइड का, या जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वह आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू रहेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंट वॉइड मेन। इंट एस और ए नाम का दो वेरिएबल ले लिए जो इंटीजर टाइप का है, या आपका कंप्यूटर के मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। प्रिंट एफ इनपुट द साइड, स्कैन एफ परसेंट डी। परसेंट डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। एम परसेंट एस ए इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और यहां से वैल्यू पास कर दिए इसका। एस कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर और साइड कहलाएगा फॉर्मल पैरामीटर। साइड कॉल द वैल्यू ऑफ द एस, लेने के बाद यह कुछ कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करके जो वैल्यू रिटर्न करता है वह वैल्यू रिसीव करेगा ए। प्रिंट एफ परसेंट डी गेट सी एच फुल और सेमीकॉल से टर्मिनेट कर दिए। यहां पर कॉली फंक्शन से वैल्यू पास भी हो रहा है और कॉली फंक्शन वैल्यू रिसीव भी कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन से वैल्यू, मेन फंक्शन के बॉडी से वैल्यू पास किया जा रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस आल्सो रिटर्न द वैल्यू टू द मेन फंक्शंस के बॉडी को रिटर्न कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और ये फंक्शन का पहला टाइप हुआ। अब हम फंक्शन के दूसरे टाइप की ओर बात करना चाहते हैं। यदि आपका मेन फंक्शन के बॉडी से, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पर क्या रहता है आपका फॉर्मल पैरामीटर, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करना चाहते हैं कि मेन फंक्शन से वैल्यू पास करना चाहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और यूजर डिफाइंड फंक्शन से जो मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन का मेन बॉडी है वहां पर किसी प्रकार का वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता है। इसके इंप्लीमेंटेशन को सीखने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन। वॉइड या रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, यहां लिखेंगे वॉइड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए इंटीजर रूप से एक रेडियस ले लिए। यहां हम लोग एक लोकल वेरिएबल लिए, इसका नाम दे दिए एरिया। एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। आउटपुट किसके पास है, एरिया नाम के वेरिएबल के पास। प्रिंट एफ परसेंट एफ एरिया, यहां पे यह एरिया ऑफ सर्किल नाम का फंक्शन कुछ वैल्यू रिसीव कर रहा है, लेकिन यह एरिया ऑफ सर्किल नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी प्रकार का वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड मेन इंट आर ए डी सी एल आर एस सी आर, दिस इज यूज्ड फॉर क्लियर द स्क्रीन। आर ए डी इक्वल टू 5, और यहां से वैल्यू पास कर दिए
एरिया ऑफ सर्किल जो हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन है और यहां से आरईडी को पास कर दिया, गेट सी एच और क्लोज का डिवेस। यहां आरईडी जो है वो हमारा कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर और आर कहलाएगा फॉर्मल पैरामीटर। इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक्चुअल पैरामीटर से अर्थात मेन फंक्शन के बॉडी से वैल्यू पास किया जा रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन की ओर, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन उसे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अर्थात वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर हम लोग वॉइड लगाएंगे। यह आपका कॉलिंग के बेसिस पर फंक्शन का दूसरा टाइप हो गया, जहां पर मेन फंक्शन के बॉडी से वैल्यू पास किया जा रहा है लेकिन वहां से वह फंक्शन जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब हम लोग फंक्शन के तीसरे टाइप पर बात करते हैं, जिस टाइप में मेन फंक्शन के बॉडी से कुछ भी पास नहीं किया जा रहा है लेकिन जब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो यहां से वैल्यू जा रहा है। यहां से यूजर डिफाइंड फंक्शन की ओर बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डज नॉट रिसीव द वैल्यू बट इट रिटर्न्स द वैल्यू। अब इसके एग्जांपल के लिए हम लोग एक एग्जांपल से उसे समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक द एग्जांपल, हमने एक इनपुट नाम का फंक्शन बनाया, यह इनपुट नाम का फंक्शन किसी प्रकार का वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन यह फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इंट वैल नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाए, लोकल वेरिएबल की बॉडी जो होती है और इंस्टांस अस्तित्व जो होता है उसी फंक्शन के बॉडी के अंदर आता है और उस फंक्शन के बॉडी से बाहर निकलते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। स्कैन इफ परसेंट डी एम परसेंट वैल रिटर्न वैल, यह फंक्शन जो यूजर डिफाइन फंक्शन है यह हमारा किसी प्रकार का वैल्यू प्राप्त नहीं कर रहा है, वॉइड रिसीव कर रहा है लेकिन यह फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वह रिटर्न किसको कर रहा है, वैल को। वैल किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे। वॉइड मेन इंट एल बी एरिया सी एल आर एस सी आर, दिस इज यूज फॉर क्लियर द स्क्रीन। प्रिंट एफ इनपुट एल एंड बी, लेकिन यहां पर स्कैन एफ नहीं लिखेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे एल इक्वल टू इनपुट, यहां से यह जंप करेगा और हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास जाएगा। वह यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर इनपुट करने का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वहां से वह इनपुट करेगा और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वह वैल्यू किसके पास आएगा, एल नाम के वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा। बी इक्वल टू इनपुट एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, प्रिंट एफ परसेंट डी एरिया, गेट सी एच से स्क्रीन को यहां पर कुछ देर के लिए रोकने के लिए और ये बंद कर दिए। तो यहां पर इस फंक्शन के तीसरे टाइप पर देख रहे हैं जहां पर यूजर डिफाइंड फंक्शन डज नॉट रिसीव द वैल्यू बट यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न द वैल्यू टू द मेन फंक्शन। अब हम लोग फंक्शन के चौथे कैटेगरी पर हम लोग बात करते हैं, जिस कैटेगरी में हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन ना वैल्यू लेगा ना वैल्यू देगा। तो यहां पे या ना वैल्यू इधर से जाएगा ना वैल्यू इधर से जाएगा, ना लेंगे ना देंगे। पहला वाला क्या था, मेन से जा रहा था वैल्यू किसको, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न कर रहा था वैल्यू मेन को। अर्थात यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ ले रहा था और कुछ दे रहा था। दूसरा टाइप में पढ़े उसमें हम लोग देखे यूजर डिफाइंड फंक्शन वैल्यू ले रहा था लेकिन दे नहीं रहा था। तीसरा टाइप में पढ़े जहां पर मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वह वैल्यू ले नहीं रहा था लेकिन कुछ वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। लेकिन चौथे टाइप में ना यूजर डिफाइंड फंक्शन लेगा और ना फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहां पर दोनों साइड से फ्लो नहीं होगा। Void show
प्रिंट एफ जमनी लाल कॉलेज वाइड मेन सो गेट सी एच, इसको क्लोज कर दे। इस प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर सो नाम का जो फंक्शन है वह किसी प्रकार का ना वैल्यू पास कर रहा है ना सो फंक्शन यहां से रिटर्न हो रहा है। यह हमारा फंक्शन का चौथा कैटेगरी है जहां पर ना वैल्यू लेगा ना वैल्यू देगा। इस तरह से फंक्शन को कैटेगराइजेशन किया गया चार भाग में। अगले वीडियो में हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के दो टाइप्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को बजाइए जिससे आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।